हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आई हूँ सिंघाड़े के तालाब के पास, तो मैं आज सिंघाड़े की रेसिपी बनाने वाली हूँ। सिंघाड़े को लोग कच्चा भी खाते हैं और उबाल कर भी खाते हैं, और इसकी बहुत सारी रेसिपी भी लोग बनाते हैं। यह तालाब बहुत बड़ा नहीं है, पर बहुत ही गहरा है, और आप देख सकते हैं पूरा तालाब सिंघाड़े से एकदम हरा भरा लग रहा है। तो चलिए अब हम तालाब के अंदर जाकर सिंघाड़ा तोड़ लेते हैं। तो चलिए सिंघाड़े के एक एक पेड़ को हम उठाकर उसमें से सिंघाड़ा तोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं ये लाल कलर का है, तो इसको हम पहले तोड़ लेंगे। इसी तरह हम सिंघाड़े का एक एक पेड़ उठाकर उसमें से सिंघाड़ा तोड़ लेंगे। ये देखिए हरे रंग का है, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो हम इसका एक एक पेड़ उठाकर जैसे उठाकर तोड़ेंगे, फिर उसको उसी जगह पर रख देंगे। इसी तरह हम एक एक पेड़ उठाकर सिंघाड़े को तोड़ेंगे। जो छोटे सिंघाड़े हैं उसे पेड़ में ही छोड़ देंगे, और जो बड़े हैं उसे हम तोड़ लेते हैं। सिंघाड़े हमें तीन कलर के देखने को मिल जाते हैं, हरे कलर, लाल कलर और काला कलर का देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें। तो मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से सिंघाड़ा तोड़ लिया है, तो अब मैं घर चलती हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो सिंघाड़े को हमने अच्छे से धोकर कर साफ कर लिया है। अब हम इसको एक कढ़ाई में उबाल लेते हैं। सिंघाड़े को यदि आप प्रेशर कुकर में उबाल रहे हैं तो एक सीटी देकर उबाल सकते हैं। मैं सारे सिंघाड़े को कढ़ाई में उबालूंगी, तो अब सिंघाड़े को हम कढ़ाई में रख लेते हैं। अब हम कढ़ाई में दो तीन कटोरी पानी डाल देंगे उबालने के लिए। अब हम सिंघाड़े को ढककर उबाल लेते हैं। ये हमने हरी धनिया की पत्ती ली है, इसे हमने धोकर साफ कर लिया है। हरी मिर्च ली हुई है, टमाटर लिए हुए हैं, और ये अदरक लिया हुआ है, इसे हम छील लेंगे। उधर हमारा सिंघाड़ा उबल रहा है, तब तक हम इधर प्याज को छीलकर काट लेते हैं। प्याज को हम बिल्कुल बारीक काटेंगे। टमाटर को भी हम काट लेते हैं, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इधर अब हमारा सिंघाड़ा उबल चुका है, इसको हम गर्म पानी में से बाहर निकाल लेते हैं, एक थाली में निकाल लेते हैं। सिंघाड़े को हम बाहर निकाल कर उसे अब ठंडा होने देते हैं। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम उसमें डालते हैं सरसों का तेल और उसे भी गर्म करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं हींग। हींग हम एक चुटकी डालेंगे और इसे चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जीरा, जीरे को भी हम थोड़ा चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज हमारा हल्का सुनहले कलर का हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और उसे भी डालकर इसमें अच्छे से भूनेंगे। यदि आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप इसको नहीं डालिएगा।
इधर हमारा अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इसके साथ ही हम अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर और उसे नरम और मुलायम होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा हल्का सा मुलायम हो चुका है, तो हम इसको एक साइड कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं इसी के साथ एक चम्मच बेसन। तो बेसन को हम किनारे से डालेंगे, उसको तेल में अच्छे से भून लेंगे। बेसन डालने से क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। बेसन को हमने भून लिया है, अब हम सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर उसे अच्छे से भून लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है। और इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और ये हमने गरम मसाला लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। और ये हमने सब्जी मसाला लिया है, सब्जी मसाला आप ज़रूर डालें, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम सारी चीज़ों को मसाले में मिलाते हुए अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। अब हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से तेल भी निकलने लगा है, यानी हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी मैं इसमें 2 ग्लास डालूंगी अपने ग्रेवी के हिसाब से, और आपको जितना डालना होगा, जितना गाढ़ा या पतला आपको जैसा बनाना है उस तरह से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक को डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेते हैं। अब हम इसे थाली से ढककर 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम सिंघाड़ा का छिलका उतार कर रख लेते हैं। ये देखिए हमने एक सिंघाड़े का छिलका उतार कर रख लिया है। इधर हम देख लेते हैं हमारी ग्रेवी पकी है कि नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें तेल ऊपर आ चुका है, यानी हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए सिंघाड़े को। सिंघाड़े को आप तोड़कर भी डाल सकते हैं इसमें। सिंघाड़े को डालने के बाद हम इसको ग्रेवी में अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। दो तीन मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सिंघाड़े की सब्जी हमारी पक चुकी है और ये देखिए ग्रेवी भी हमारी कितनी बढ़िया लग रही है। कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है, अब हम आपको एक कटोरी में निकाल कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में ही सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस पे डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती। कढ़ाई में भी हरी धनिया की पत्ती को डाल देते हैं। तो अब हमारी सिंघाड़े की सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।